हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सात कुंड का इतिहास क्या होता है। दोस्तों वजेश्वरी में दोस्तों सात कुंड है, सात किस्म का पानी है। दोस्तों सात कुंड का इतिहास दोस्तों 5000 साल पुराना है। दोस्तों सात कुंड का इतिहास, उसके बारे में दोस्तों हम बताएंगे भी, आपको दिखाएंगे भी वीडियो में। दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहें, हम दोस्तों सात कुंड का इतिहास आपको बताएंगे। चलिए हम लेके चलते हैं आपको अपने वीडियो पे। सात कुंड का इतिहास दोस्तों काफ़ी पुराना है, करीब ये 5000 साल से भी पुराना है। बताया जाता है कि सतयुग में यहाँ पर सप्तऋषि आए थे और उन्होंने ये कुंड का निर्माण किया, जिसमें आज भी सभी दिशाओं से धाराएं बहती हैं। इस तीर्थ का जल प्राचीन काल के समय से लेकर अब तक समाप्त नहीं हुआ है। बाबा सीताराम ने इस प्राचीन स्थान को एक बार फिर से जीवित किया। दोस्तों हम वहां पे जा रहे हैं, देखेंगे वाकई में दोस्तों ये इतिहास सही है क्या है असलियत, वो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं सात कुंड, आपको दिखाएंगे। दोस्तों वहां पे सात पानी है, थोड़ा गर्म, उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म है। इतना गर्म पानी है दोस्तों कि हाथ छिल जाता है, पैर छिल जाता है, बहुत जैसा दोस्तों गर्म पानी निकलता है वैसा पानी है दोस्तों यहां पे सात कुंड में। सात किस्म का पानी है, सातों कुंड आपको हम दिखाएंगे। चलो दोस्तों हम लेके चलते हैं आपको सात कुंड में। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सात कुंड में, हम आ गए सात कुंड, आपको दिखाएंगे सातों पानी। ठीक है दोस्तों, ये ऊँट है, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों ये ऊँट है, ये देख सकते हैं आप। देखिए ऊँट सवारी करने वाले, ये नाम गणेश है, इस ऊँट का नाम दोस्तों गणेश है, ये गणेश नाम है ऊँट का। दोस्तों जो पानी है, पहले इस पानी में सब नहाते हैं, इस पानी में नहाने के बाद दोस्तों देखिए दोस्तों एक कुंड ये है, इसमें भी गर्म पानी है। देखिए एक कुंड ये है, इसमें भी गर्म पानी है, तो इसमें भी गर्म पानी है। दोस्तों हम आगे वाले कुंड में आपको लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों एक कुंड ये है, देखिए ये भी गर्म पानी है, देख सकते हैं आप। एक कुंड ये भी है, गर्म पानी है ये दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है यहाँ पे। दोस्तों मैं पैर सिर्फ यहाँ रखा हूँ, पैर मेरा एकदम गर्म हो रहा है। दोस्तों ये भी गर्म पानी है, दोस्तों देखिए गर्म पानी है, देख सकते हैं बहुत ही गर्म पानी है यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, अपना अपनी पीड़ा दूर करने के लिए आते हैं यहाँ पे। कैसा भी पीड़ा रहे दोस्तों, शरीर में कैसा भी दर्द रहे, यहाँ पे दोस्तों सात कुंड का पानी है, सात पानी है, थोड़ा गर्म, उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म। यहाँ पे दोस्तों नहाने से पैरों की पीड़ा, शरीर की पीड़ा, सब पीड़ा खत्म हो जाती है दोस्तों, इसे सात कुंड कहा जाता है। आरा जिला।